ये दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए द होम मिनिस्टर को और बेल का बटन भी दबाइए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं आप लोगों के साथ समर स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम भिंडी बनाएंगे, लेकिन इसे हम थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे। इस सब्जी को हम दही से बनाने वाले हैं, तो आप इसे दही वाली भिंडी बोल सकते हैं या फिर भिंडी की कढ़ी भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो इस मौसम के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। बनाने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता है और एकदम सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है ये। तो चलिए देखते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं। पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर भिंडी ली है, करीबन एक पाव भिंडी को वॉश कर लिया था और अच्छे से सुखाने के बाद मैंने इसे इस तरह से कट कर लिया है। बहुत ज्यादा छोटे टुकड़े भी नहीं काटे हैं और एकदम बड़े टुकड़े भी नहीं रखे हैं, तो आप मीडियम साइज में से काट लीजिए। एक प्याज को बारीक चॉप किया है, थोड़े से करी पत्ते लिए हैं और दो हरी मिर्च ली है। एक टमाटर को भी चॉप कर लीजिए। सूखे मसालों में चाहिए हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक चाहिए और सरसों के दाने यानी कि राई चाहिए। ये मैंने एक पाव दही लिया है, बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना हमें। एक चम्मच शक्कर लिए, तो एक टीस्पून भरकर शुगर ले लीजिए और एक टेबलस्पून भरकर हम बेसन लेंगे। कुकिंग ऑयल चाहिए 4-5 बड़े चम्मच भरकर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन कर एक कढ़ाई रखेंगे और सबसे पहले इसमें डालेंगे ऑयल। तो ये मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें थोड़े से सरसों के दाने डालेंगे। और जैसे ही सरसों फूटने लगे इसमें डालिए प्याज और प्याज को आप थोड़ी देर के लिए फ्राई होने दीजिए ऑयल में। करी पत्ता भी डाल लेंगे, तो ये 5-6 करी पत्ते डाल लिए हैं और इसे भी हम ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई है, तो सूखे मसाले डाल लेते हैं। तो गैस को एकदम धीमा कर लीजिए और फिर इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे। इसे भी थोड़ी देर ऑयल में भून लेंगे। अब ये मैं कटा हुआ टमाटर भी इसमें मिक्स कर रही हूँ। थोड़ी देर टमाटर को भूनने के बाद अब मैं इसमें भिंडी भी मिला रही हूँ। एक बार सारी चीजों को मिला लीजिए और फिर इसे धीमी आंच पर अच्छे से भूनने दीजिए। ये देखिए, बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे और भिंडी के पकने तक हमें इसे भूनना है। अब इस स्टेज पर मैंने हरी मिर्च भी ऐड कर ली है और ये देखिए भिंडी लगभग पक चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे दही। तो ये देखिए अच्छे से इसे फेंट कर फिर इसे हम मिक्स करेंगे। दही डालने के बाद हमें इसको बाइंड भी करना है, वरना दही एकदम अलग हो जाएगा और पानी छोड़ देगा। तो इसके लिए हम मिलाएंगे इसमें बेसन। तो बेसन को थोड़ा सा पानी में घोल लीजिए और फिर इसे ऐड कीजिए। सारी चीजों को मिलाते हुए अब लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर। बहुत ज्यादा चीनी की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक टीस्पून भर के ही मैं डाल रही हूँ। बस अच्छे से एक बार सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए और इसमें उबाल आने दीजिए। ये देखिए, उबाल आने के बाद सब्जी गाढ़ी हो चुकी है। मैं आपको इसे डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। और ये हमारी समर स्पेशल चटपटी दही वाली भिंडी बनकर तैयार है। इसे आप स्टीम राइस के साथ सर्व कीजिए। और रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बाकी वीडियो को भी जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच।